हेलो पीपल, दिस एंड दैट गाय आ गए हैं अपने लिए कुछ चैलेंजिंग और आपके लिए फन एंड एंटरटेनिंग लेके। तो आज हम करने वाले हैं वन पंचमैन वर्कआउट। अगर आपको नहीं पता है वन पंचमैन क्या है, तो एक जैपनीज एनिमे है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। पर्सनली बताऊं तो मेरे को तो बहुत पसंद आई थी और आज हम उसी का बताया हुआ वर्कआउट ट्राई करने वाले हैं। सो हमें वन पंच मैन वर्कआउट में क्या क्या करना है, 100 सिटअप्स, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड लास्ट में 10 किलोमीटर रन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पुशअप से। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see door through ice covers and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me. I love everything. Fire spreading all around my room. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. I love. This is going to be intense. I can feel it. I love everything. तो 100 पुशअप्स तो हो चुके हैं और अभी से पता चल रहा है कि वर्कआउट कितना डिफिकल्ट होने वाला है। बाकी सब तो फिर भी ठीक है, स्क्वाट्स और पुशअप सेटअप्स तो हो जाएंगे, बट आई एम एक्सट्रीमली नर्वस फॉर द 10K रन। लेट्स सी। सो इस वर्कआउट्स में काफी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। इसमें कोई भी पुलिंग मूवमेंट नहीं है, ना कि इसमें कोई भी चिन अप है, ना कोई इसमें पुलअप है। तो हमारा दूसरा ड्रॉबैक है रनिंग। इसमें इस वर्कआउट में 10 किलोमीटर रन काफ़ी ज़्यादा रनिंग है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। एक नॉर्मल पर्सन के लिए 2-3 किलोमीटर रन सफिशियंट होता है डेली वर्कआउट के हिसाब से। Kids screaming in the cradles, profanities. I see door through ice covers and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. वर्कआउट का तीसरा ड्रॉबैक है सिटअप्स। जैसे कि आपने देखा, जैसे अभी हम सिटअप्स कर रहे थे, वो बहुत ही खराब फॉर्म है सिटअप्स करने के लिए, उससे आपकी स्पाइन भी इंजर्ड हो सकती है। आपको सही फॉर्म सिटअप्स के जानने हैं तो उन्हें कहते हैं हाफ क्रंचेस। अभी आपको करके दिखाने वाले हैं कैसे करते हैं वो। Now, 100 squats. I live
inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I'd seen blood through ice covered in bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me. I love everything. Fire spreading all around my room. So, 100 sit-ups, 100 push-ups, 100 squats complete हो चुके हैं, but अभी भी 10 kilometer run बाकी है, देखते हैं कैसे होती है, energy बिल्कुल खत्म हो चुकी है, but let's see. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I'd seen blood through ice covered in bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. This is the most difficult workout today. We can't because of this 10 kilometer run. This is going to be intense. I live inside my own world of make-believe. So, अपना अभी तक 6 किलोमीटर डन हो चुका है और हालत एकदम खराब हो चुकी है. 6 किलोमीटर भी हमारा सबसे आगे टन हुआ है जो हमने सुबह दोनों नहीं जिम में लेग्स वर्कआउट किया था. जैसा कि आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है तो बच्चे हुए किलोमीटर भी जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. लेट्स गो. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I'd seen blood through ice covered in bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me. I love everything. Here we are. जैसे कि आपने देखा हमारे वर्कआउट यहीं से कंप्लीट हो चुका है.
सो वी आर रैपिंग दिस वर्कआउट चैलेंज राइट हियर राइट नाउ। बहुत ही इंटेंस वर्कआउट था ये, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।